वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। संडे का दिन है आज और अच्छी खासी धूप हो रही है क्योंकि हम लोग अभी 1 बजे यहाँ पर आ गए हैं। क्यों आ गए वो आपको जल्दी मालूम पड़ जाएगा। एक्चुअली सिंह चिकन के नाम से जो एक आउटलेट था, जो कि अभी देसी पंजाबी ढाबा के नाम से जोमेटो बाकी आपको सब जगह मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा कवर करने आए हैं। क्या है, कैसा है फूड सबको दिखाते हैं। बाकी कहाँ पर हूँ मैं, ये रानीबाग की सेक्टर 10 की मार्केट है, खाने पीने की पूरा हब है, पूरा खाने पीने का। शाम को यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, बट अभी यहाँ पर भीड़ नहीं होगी। ब्लॉगर्स की यही प्रॉब्लम है, हम लोग आते हैं जब भीड़ भाड़ कम होती है, एकदम सन्नाटा होता है, क्योंकि साउंड वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, भीड़ भाड़ होती है। बाकी आपको यहाँ पर बता दूँ कितने सारे आउटलेट हैं खाने पीने के। शाम के टाइम ये जगह आपको जन्नत कहलाएगी खाने पीने वालों के लिए। पारशाला, गुड फूड कैफ़े, जायका पंजाबी, ये इंडसइंड बैंक ATM के पास में है, करीम्स फूड है जो, उसके पास हमको जाना है। बताता हूँ आपको कहाँ जाना है जल्दी। तो ये सिंह चिकन जो कि देसी पंजाबी ढाबा के नाम से अभी आपको मिलेगा हर जगह। तो यहाँ का खाने पीने वाले हैं, देख रहे हैं आप धूप कितनी सारी, मतलब कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। बाकी और भी लोग ज्वाइन करेंगे, देखें जैसे भी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ आने के बाद ये देखा तो चल रही थी तैयारी खाने की, क्योंकि काफ़ी सारी होम डिलीवरीज भी इन लोगों की जाती हैं यहाँ से खाने के लिए, प्रॉपर थालियों में लग के, जो कि प्रॉपर हाइजीन के साथ जाता है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़, सैलड हो या सब्जी हो, रोटियां हो, सारी प्रॉपर सिल्वर फॉल में पैक होके जाती हैं। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर पैकिंग होके किस तरीके से खाना यहाँ से जाता है। लकली हमारे साथ देसी पंजाबी ढाबा के संचालक जो टेक केयर करते हैं इसको, वो भी है, जो आपके मेन कोर्स है, क्या डिलीवरी में ज़्यादा चलता है, जो चीज़ आपको टेस्ट करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, वो आपको ये बेटर बताएंगे मेरे से, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तो आप इनके मुझे सुन लीजिए क्या बेस्ट है यहाँ का होम डिलीवरीज वगैरह, लैंडमार्क कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू फॉर दिस। हाय, आई एम संदीप बाधवा, आई एम लुकिंग आफ्टर, आई एम वन ऑफ द पार्टनर हियर विद देसी पंजाबी ढाबा नाउ, एंड लुकिंग आफ्टर द कंप्लीट ऑपरेशंस ऑफ द ढाबा। वी हैव एक्चुअली मूव्ड टू अनदर लोकेशन, अर्लियर वी वर जस्ट गिविंग टेक अवे एंड home deliveries, but now we have also come out with the dining facility as well, and we are back now in Zomato and Swiggy. So along with that, we were just doing vegetarian dishes before, but now we have non-vegetarian as well, and we have come out with a lot of different dishes which you can try and come and taste here. One of them is the handi chicken. It is more like matki chicken, you know, we call it. And then we have our lemon chicken, which is quite famous here. Plus, obviously, with our vegetarian dishes, we have palak chaap chawal, which you must have tried before as well, which is amazing. Along with Singapuri chaap and other, you know, vegetarian dishes like paneer butter masala. चलिए, ये तो हो गए सारे आइटम जो आप ट्राई कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बाकी यहाँ पे पहुँचने के लिए जो आपका नियरेस्ट लोकेशन, लैंडमार्क जो आप कह सकते हैं, वो आप बता दीजिए एक बार। वी आर लोकेटेड जस्ट इन नियर रानीबाग, इट्स रोड नंबर 44, विच इज जस्ट बिहाइंड M2K रानीबाग, ऑपोजिट चुनमुन मॉल। सो यू कैन कम हियर, इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन, एंड यू कैन कम एंड सी आवर, एज बिफोर वी, आवर प्रायोरिटी इज to give the best quality food, and along with that we take care of the service and the hygiene. So we request you all to come and join us and just try our food. I'm sure you would love it. Thank you very much. Thank you join karne ke liye. Baaki ha kafi sari cheeze suni bhi hai yahan ki, to sara kuch try karte hain, aapko batate hain kaisa kya hai. Landmark wagera ka aapko malum pad gaya, naam ka halka sa confusion tha. I was also confused when I came here, jo ki yahan pe सिंह चिकन के नाम से नाउ इट इज़ देसी पंजाबी ढाबा, जो कि जोमेटो स्विगी सब जगह न्यू नाम से अवेलेबल है। चलिए खाना पीना देखते हैं कैसा क्या है, स्टे ट्यून्ड। तो ये हम आ गए हैं इनके लाइव किचन में, जहाँ पर बन रहा है कीमा, जो कि पराठों के लिए आई गेस, क्योंकि जो हमारी पहली थाली आने वाली है वो है बटर चिकन मसाला, साथ में कीमा पराठा। तो वो थाली भी आपको जल्दी से मिल जाएगी देखने को इसी वीडियो में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बन गया है और खाने की प्लेटिंग हो गई है चालू। बटर चिकन मसाला जो हमारा बनना था कीमा पराठा के साथ, उसके यहाँ पे प्रेजेंटेशन अभी रेडी हो रही है। सारे के सारे ब्लॉगर्स बैठ के ले रहे हैं फ़ोटोज़, वीडियोस, छोटे क्लिप्स वगैरह बना रहे हैं इंस्टाग्राम एंड अदर हैंडल्स के लिए। बस 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 बस
काफी, ठीक है। तो ये है हमारी आज की ब्लॉगर्स टीम इन एक्शन। हेलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ गया है हमारा कीमा पराठा, जो कि आया है साथ देने बटर चिकन मसाला का। कीमा पराठा की फिलिंग से ही आप पता कर सकते हैं कि पराठा खाने में कितना अच्छा होगा। रियली इट वाज रियली गुड। बाकी आपको एक क्लोजअप शॉट देता हूँ, जैसे कि आपको मालूम पड़े खाना कितना ज़्यादा टेम्पटिंग था, ना कि देखने में बाकी खाने में भी। यहाँ पर एक छोटा सा शॉट आप देख लीजिए, जो को है नींबू मार के, वेज नॉन वेज कुछ भी बन रहा है, अगर उसमें नींबू पड़ जाए बनते टाइम टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये है हमारी सिंगापुरी मलाई चाप, साथ में मिर्ची पराठा सेकंड थाली। ये हमारा तैयार हो रहा है वेज प्लेटर, जिसमें कि है पनीर चाप और शिमला मिर्च है इसमें, इसमें मशरूम है। सारे ब्लॉगर्स आप देख सकते हैं छोटे छोटे रील्स वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, जो कि सभी अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स फेसबुक सब जगह डालेंगे। ये था चिकन हमारा चिकन प्लेटर के लिए। बाकी हाँ, आप जो फ़ोटोज़ वगैरह, ये सारे ब्लॉगर्स जो देख रहे हैं हार्ड वर्किंग ब्लॉगर्स, यहीं से सारी जो फ़ोटोज़ टेम्पटिंग फ़ोटोज़ आती हैं आपके लिए, जो आप लाइक कमेंट्स करते हैं प्यार जो देते हैं, इससे सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पीछे होता है ये सारा हार्ड वर्क। तो सारा का सारा खाना आ चुका है सामने, खाने का हो गया है टाइम, जो भी था सारा बन गया है, क्लिक्स हो गए हैं, फ़ोटोज़ हो गए हैं, छोटी छोटी स्टोरीज बन गई हैं। बाकी अब टाइम आ गया खाने का, खा के बताते हैं कैसा क्या टेस्ट रहा। बाकी सारे लोग अभी भी आप देख सकते हैं कि वर्किंग मोड में हैं। ये कुछ और छोटे छोटे वीडियोस बनाते हुए खाने के, जो कि कहलाते हैं बाइटिंग वीडियोस, जिसमें कि एक बाइट लिया जाता है सब्जी के साथ, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो खाना पीना प्रॉपर सारा कुछ हो गया है हमने, फ़ोटो मोटो लेने के बाद 1 से 2 घंटे हो जाते हैं, तो खाना दोबारा से रीहीट करवाया था, बट स्टिल इट वॉज रियली गुड। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार के गर्म खाने को आप जब खाएँगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको। तो बाकी लोगों ने भी जिन्हें खाया देखो, उनके भी देखते हैं व्यूज़ क्या है। तो चलिए लेते हैं खाने का जेन्युइन रिव्यूज़, जो कि खा रहे हैं उनसे। How's the food? The food is very nice. I like this mutton and keema. It's very nice. I think you should try the non-veg platter. The veg bhi acha hai yahan pe, but I would prefer non-veg. So everyone likes it, right? Give a thumbs up. So guys, as you can see, the khana was really good. मुझे नहीं, अकेला सभी को खाना पसंद आया, तो खाना आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मेनली इनका फूड डिलीवरीज का चलता है। बाकी यहाँ पर आके भी आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, काफ़ी खुला स्पेस है इनका, चारों तरफ काफ़ी जगह है, आप आराम से बैठ के अपने व्हीकल के साथ आ सकते हैं, बाइक कार आपकी जो भी है, सामने पूरी प्रॉपर पार्किंग डली हुई है, पार्किंग में आप बैठ के खा सकते हैं अपनी गाड़ी पार्क करके। बाकी आज के लिए इतनी रखते हैं, मिलते हैं अगली बार, अपना और अपनों का ख्याल रखना लाइक ऑलवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।